ये कहानी है प्लेनेट एंटेरस की, जहाँ पर सिर्फ महिलाएं रहती हैं। इस प्लेनेट पर महिलाओं की आबादी ज्यादा है और पुरुषों की कम, इसलिए यहाँ की महिलाएं मर्दों को गुलाम बनाकर रखती हैं और उनसे मजदूरी करवाती हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो एस्ट्रोनॉट्स दिखाए जाते हैं, जिनका नाम एडम और जेक होता है, जो अर्थ से सीधा एंटेरस ग्रह की तरफ जा रहे होते हैं। जब एडम और जेक वो दोनों एंटेरस ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तब उनके शिप में आग लग जाती है और उनकी शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो दोनों शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके चलते वो शिप को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी शिप क्रैश कर जाती है। क्रैश लैंडिंग के बावजूद उन दोनों की जान बच जाती है और वो दोनों शिप से बाहर आ जाते हैं। जब वो दोनों एंटेरस ग्रह को देखते हैं, तब उन्हें दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। उन दोनों को लग रहा था कि वो शायद किसी गलत प्लेनेट पर आ गए हैं। वो दोनों ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। जब एडम उस आवाज का पीछा करता है, तब उसकी नजर एक बच्चे पर जाती है, जिसने अपने हाथ में एक डॉग को लिया हुआ था। एडम जब उस बच्चे के पास जाने की कोशिश करता है, तब वो बच्चा काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो भागते हुए कुछ महिलाओं के पास आ जाता है, जो देखने में किसी सोल्जर की तरह लग रही थी। वो महिलाएं उसे पकड़ लेती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एडम जब वो उस बच्चे को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचता है, तब उसकी नजर एक टेम्पल पर जाती है, जो देखने में काफी बड़ा था। जब एडम उस टेम्पल के अंदर आता है, तब उसकी नजर बहुत सारी औरतों पर जाती है। उन औरतों की बातों से एडम को पता चलता है कि इस प्लेनेट पर सिर्फ औरतें राज करती हैं और यहाँ पर मर्दों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर मर्दों को सिर्फ गुलाम बनाकर रखा जाता है और कुछ मर्दों का इस्तेमाल सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, ताकि प्लेनेट की आबादी को संतुलित रखा जा सके। एडम देखता है कि इस प्लेनेट की महिलाएं दो ग्रुप्स में बटी हुई हैं। पहला ग्रुप थोड़ा धार्मिक है, जिनके धर्म का नाम सर्पेंट ऑफ गॉडेस है, जिसे टैक्सन कंट्रोल करती है, जबकि दूसरे ग्रुप को इस प्लेनेट की रानी सुमुरु कंट्रोल करती है। एडम उन लोगों को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो महिलाएं आ जाती हैं, जिन्होंने उस बच्चे को पकड़ा हुआ था। अब क्योंकि वो महिलाएं टैक्सन के ग्रुप में थी, इसलिए टैक्सन उन्हें उस बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए कहती है। लेकिन हम देखते हैं कि डब, जो कि रानी के ग्रुप में थी, जब उसे इस बात का पता चलता है कि वो लोग उसके भाई की बलि चढ़ाने वाले हैं, तब वो टैक्सन पर काफी गुस्सा होती है और उसके सोल्जर्स पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जाइंट स्नेक आ जाता है और वो टैक्सन के ग्रुप में मौजूद एक महिला को खा जाता है। ये देखने के बाद टैक्सन को डब पर काफी गुस्सा आता है और वो अपने सोल्जर्स को उसे अरेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन सुमुरु उसे रोक देती है। अब इन दोनों के बीच में बहस चल ही रही होती है कि तभी एडम की वॉच पर जैक का कॉल आ जाता है, जिसके चलते उन औरतों की नजर एडम पर पड़ जाती है। अब इससे पहले कि वो औरतें एडम को पकड़कर उसे बंदी बना लें, एडम अपनी गन निकालकर ऊपर की ओर फायरिंग कर देता है, जिसके चलते वहां पर भगदड़ मच जाती है और एडम और वो बच्चा दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। टैक्सन ग्रुप की महिलाएं एडम को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाती हैं और उस पर एक जहरीले तीर से हमला कर देती हैं। लेकिन एडम जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए उस बच्चे को लेकर शिप के अंदर आ जाता है, मगर जहरीला तीर लगने की वजह से जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे पहले कि वो महिलाएं एडम को पकड़कर उसे बंदी बना लें, सुमुरु वहां आकर उन महिलाओं से एडम को छोड़ने के लिए कहती है। अब क्योंकि उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एडम को छोड़कर वहां से चली जाती हैं। उन महिलाओं के जाने के बाद सुमुरु शिप के अंदर आती है और वो एडम की बॉडी में एंटीडोट इंजेक्ट कर देती है, जिसके चलते जहर का असर कम हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब एडम की आंखें खुलती है, तब वो खुद को रानी के महल में पाता है। जेक एडम को बताता है कि मैंने यहाँ पर आने वाले भूकंप की जानकारी निकाली है। ये जानकारी हमें बताती है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये प्लेनेट पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और
यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डब आ जाती है और वो एडम को लेकर रानी के पास आ जाती है। जब रानी एडम से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब एडम उसे बताता है, मैं पृथ्वी से हूँ और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी पृथ्वी से हैं। एडम रानी को बताता है कि आज से तकरीबन 1000 साल पहले पृथ्वी से कुछ लोग यहाँ पर मिशन के लिए आए थे। उनके यहाँ आने के बाद ये मिशन 100 सालों तक ठीक चलता रहा क्योंकि सभी लोग पृथ्वी के संपर्क में थे, मगर पृथ्वी पर वर्ल्ड वॉर होने की वजह से हमारा उनसे संपर्क टूट गया और वो लोग यहीं फंस कर रह गए, जिसके बाद उन्होंने इसे ही अपना घर बना लिया। एडम से बात करने के बाद सुमुरु उसे लेकर दूसरी जगह पर आती है जहाँ एडम की नज़र बहुत सारे मर्दों पर जाती है। सुमुरु उसे बताती है कि यहाँ पर मर्दों का इस्तेमाल सिर्फ काम कराने के लिए किया जाता है और कुछ मर्दों का इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है ताकि ग्रह की आबादी को संतुलित रखा जा सके। मर्दों की ऐसी हालत देखकर एडम को सुमुरु पर काफी गुस्सा आता है और वो सुमुरु के विचारों का विरोध करता है, लेकिन डब उस पर हमला करके उसे बंदी बना लेती है। अब क्योंकि एडम भी एक मर्द था इसलिए डब उसे लेकर एक केव में आ जाती है ताकि वो उसे बंदी बना सके, मगर टैक्सन ग्रुप की महिलाएं जो पहले से ही उस केव में मौजूद थीं, वो डब और बाकी महिलाओं पर हमला करके उन्हें मार डालती हैं और एडम को लेकर टैक्सन के पास आ जाती हैं। टैक्सन एडम को बहला फुसला कर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है ताकि वो सुमुरु को रास्ते से हटा कर इस ग्रह पर राज कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि एडम जो बहुत ज्यादा समझदार था वो टैक्सन का साथ देने से मना कर देता है। अब ये सुनकर टैक्सन को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और वो टैक्सन से एडम को छोड़ने के लिए कहती है। अब इससे पहले कि टैक्सन की महिलाएं यहाँ पर आ जाएं, रानी टैक्सन को एक जोरदार पंच मारकर उसे बेहोश कर देती है और एडम को लेकर यहाँ से निकल जाती है। जेक एडम को बताता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि कुछ देर बाद ये ग्रह नष्ट होने वाला है। जब एडम ये बात रानी को बताता है तब रानी अपने लोगों को बचाने के लिए एडम का साथ देने का फैसला करती है। वो एडम को एक लॉकेट देती है और उसे बताती है, ये लॉकेट मुझे बर्ड जोन नाम की एक जगह से मिला था। दरअसल ये वही जगह है जहाँ इंसानों ने आज से 1000 साल पहले लैंड किया था। सुमुरु एडम को बताती है कि वो स्पेसशिप आज भी उसी जगह पर है और सुरक्षित है। तुम उस स्पेसशिप का इस्तेमाल करके वापस पृथ्वी पर जा सकते हो। सुमुरु की बात सुनकर एडम और जेक दोनों काफी खुश होते हैं और वो सुमुरु के साथ उस जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक जोरदार भूकंप आ जाता है। जैक समझ जाता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो सब लोगों से जल्दी जल्दी चलने के लिए कहता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस स्पेसशिप को रखा गया था। जैक स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर टैक्सन आ जाती है और वो जैक पर हमला कर देती है, लेकिन सुमुरु वहाँ पर आकर जैक को बचा लेती है। सुमुरु टैक्सन को अपने हाथों से मारना चाहती थी इसलिए वो उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। फाइटिंग के दौरान सुमुरु टैक्सन को एक जोरदार किक मारती है और टैक्सन एक इलेक्ट्रिक बोर्ड से जाकर टकरा जाती है, जिसके चलते उसे जोर का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उन्हें लग रहा था कि टैक्सन मर चुकी है इसलिए वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी टैक्सन को होश आ जाता है और वो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन समय रहते एडम उसे देख लेता है और वो उस पर फायरिंग करके उसे मार डालता है। तो वहीं दूसरी तरफ जैक वो जल्दी से स्पेसशिप को स्टार्ट कर लेता है और सब लोगों को लेकर प्लेनेट से जाने लगता है। इस प्लेनेट के लोग रानी को यहाँ से जाता हुआ देख रहे थे। सुमुरु को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। एडम जेक से स्पेसशिप को नीचे उतारने के लिए कहता है। वैसे तो जेक ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर एडम के कहने पर वो उसकी बात मान जाता है और शिप को नीचे उतार देता है। जब सुमुरु शिप से नीचे उतरती है
है तो सब लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं। सुमुरु उनसे कहती है, हम लोग एक ऐसे प्लेनेट पर जाने वाले हैं जहां कोई भेदभाव नहीं होता और हर इंसान एक समान होता है। सुमुरु की बात मानकर वो लोग स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। जेक स्पेसशिप स्टार्ट करके उड़ान भरने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जाइंट स्नेक आ जाता है और वो शिप पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो स्नेक शिप को डैमेज कर दे, जेक थ्रस्टर्स को ऑन करके सांप को जला देता है और स्पेसशिप लेकर अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।